राम राम मालिक। गोपी, ये तुम्हारी दोस्त है, क्या नाम है इसका? रेवती। रेवती, कभी इसे हवेली पर ले आना, हवेली दिखाने के लिए। रेवती नाम है उसका। उसके माँ बाप ने आपकी भेंट लेने से इनकार कर दिया। उसे परम दासी बनाने से मना कर दिया। जब बात करने से बात नहीं बनती तो फिर छीनना जरूरी होता है। हमें रेवती चाहिए हर कीमत पर। आपका आदेश, सराखों पर शीघ्र ही रेवती इस हवेली की शान हो। रेवती, इसके साथ जो भी करना है बेझिझक कीजिए ठाकुर। इस पर मेरी विभूति का असर है, गहरा असर। इसे जरा भी होश आवास नहीं। भाइयों छोड़ना नहीं है आज इन्हें। वो रहा पाखंड भी पुजारी, रेवती को यहीं लाया है। पकड़ो इसे। रुक 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 रुक। रेवती कहाँ है? रेवती कहाँ है? रेवती, हट जा, हट जा। पीछे बिजट। रेवती तुम ठीक तो हो? रेवती गोपी, रेवती मैं आ गया हूँ। रेवती कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं, गोपी।
रेवती गोपी नहीं गोपी ए गोपी 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 आगे खोलो गोपी आगे खोलो गोपी अगर गांव वालों ने मुझे इस लड़की के साथ यहां देख लिया तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे मैं क्या करूं चले जाओ यहां से अगर इस तरह से मेरे हवेली में घुसने की कोशिश की ना इस गोपी की तरह तुम्हारी हालत हो जाएगी एक एक का गला काट दूंगा मैं जाओ यहां से और फिर मैं ये अनजान लोगों के बीच में रहने लगा और परम दासी की प्रथा फिर से शुरू कर दी लेकिन ठाकुर उजागर सिंह को मरने के बाद भी चैन नहीं मिला उसने मेरा पीछा किया और यहां तक आ गया और आज भी मुझसे वही काम करवा रहा है जो आज से 25 साल पहले करवाता था लेकिन इस बार उसका एक नया मकसद है मार का देव ने मुझे वरदान दिया है जिसके कारण मेरी जान गई अगर मैं उसे एक बार फिर से मार दूं और मार का देव को बलि चढ़ा दूं तो मैं फिर से जीवित हो सकता मतलब रेवती को फिर से मारना होगा लेकिन उसके लिए उसे दूसरा जन्म लेना होगा जब तक रेवती नहीं मिलती तब तक हर सप्ताह मार का देव को मुझे एक परम दासी की बलि चढ़ानी ताकि मेरी रूह जीवित रह सके तब से मैं रेवती को ढूंढ रहा हूं जो अब जाकर मुझे मिली है अपने दूसरे जन्म में राधिका के रूप में ठाकुर उजागर सिंह उसकी बलि चढ़ाएगा ताकि वो फिर से जिंदा हो जाए और हम दोनों मिलकर इस गांव से बदला ले सके जो आज से 25 साल पहले ना ले सके बस एक बार मिल जाए राधिका